Good morning, student. Today we will discuss the remaining part of the application of Gauss law. तो पिछले लेक्चर में हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी. एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया था. एक लीनियर चार्ज की वजह से हमने एप्लीकेशन जो फील्ड होती है उसको डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया था. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस फील्ड ऑफ एन, ये देखिए हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज. यानी कि ये जो आपको डायग्राम में शीट दिखाई दे रही है, ये शीट जो है ये एक प्लेन शीट है, थिन शीट है, और इस शीट के ऊपर एक चार्ज है. अब इनफाइनाइट प्लेन की अगर हम बात करें तो ये जो शीट है वो काफी बड़ी है और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Suppose I want to find out the electric field at point P, ठीक है, तो ये जो दूरी है पॉइंट P की वो काफी स्मॉल है as compared to the size of the sheet. तो R is very small as compared to the size of the sheet. Size of sheet से काफी small है. अच्छा, ये जो sheet है इस पे एक ही side charge है. तो अगर मैं इसका side view बनाऊ तो side view एक बार देख लेते हैं इस situation का. इस सिचुएशन का साइड व्यू बनेगा, मान लीजिए ये शीट है, इट्स अ शीट, और ये काफी थिन शीट है, तो मैं एक ही लाइन बना देता हूं यहां पे, ठीक है. माइक्रो लेवल पे थिन की जो थिकनेस है वो बहुत कम है. तो अगर यहां पे हम शीट शो करेंगे तो हम शीट को इस तरीके से शो कर सकते हैं. ये एक शीट है और इस शीट के ये थिकनेस है और इस शीट के एक ही साइड चार्ज है. ये आपको बात ध्यान रखनी है. द चार्ज लाइज ऑन सिंगल, सिर्फ इस सरफेस पे चार्ज है. ठीक है, सिर्फ इस सरफेस पे चार्ज है, दूसरी वाली सरफेस पे चार्ज नहीं है. और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है शीट की वो सिग्मा है. तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस शीट पे एक ही साइड चार्ज है, दूसरी साइड कोई चार्ज नहीं है. ओके, अंडरस्टैंड. अब मान लीजिए अगर कोई टेस्ट चार्ज मैं यहां पे प्लेस करूं, मान लीजिए सपोज अगर मैंने क्यू नॉट यहां पे प्लेस किया तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी. अगर ये चार्ज मैं इधर प्लेस करता तब भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगती. ओके, रिपल्सिव फोर्स तो दोनों साइड ही लगेगी क्योंकि चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, जो शीट पे चार्ज है उसका इन्फ्लुएंस इधर भी होगा इधर भी होगा. यानी कि जो इसकी फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइंस इधर भी होंगी. ये फील्ड लाइंस है और ये फील्ड लाइंस इस साइड भी होंगी. These are the field lines. Okay, तो ये जो फोर्स है F is equal to वो Q not E होगा और मुझे इस E को डिटरमाइन करना है कि ये E कितना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड. इसीलिए जो गॉशियन सरफेस लिया गया है, ये देखिए ये गॉशियन सरफेस है, ये गॉशियन सरफेस इस साइड भी है और इस साइड भी एक्सटेंडेड है क्योंकि फील्ड जो है वो दोनों साइड है. अंडरस्टैंड. तो इसको हम आगे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये समझ में आया कि गॉशियन सरफेस हमने दोनों साइड क्यों एक्सटेंड की, एक साइड एक्सटेंड नहीं की है क्योंकि जो आपकी फील्ड है वो शीट के दोनों साइड होगी, इसलिए हमें इस तरीके का जो है गॉशियन सरफेस ड्रॉ किया. ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. अब इसमें जाहिर सी बात है गॉशियन सरफेस कैसे सेलेक्ट की जाती है वो हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. गॉशियन सरफेस इस तरीके से सेलेक्ट की जाती है सो दैट वो या तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके परपेंडिकुलर हो जाए या उसके पैरेलल हो जाए. तो ये एक अप्रोच है. तो अब देख लेते हैं यहां पे क्या होगा. यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड इस गॉशियन सरफेस से, और यहां पर अगर हम कोई डीएस वैक्टर लेते हैं, मान लीजिए ये एक स्मॉल एरिया मैंने लिया, तो यहां पे जो डीएस वेक्टर है वो ऐसे होगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्कुलर एंड पर
जो है वो एंगल बिटवीन डीएस एंड ई कितना है, वो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम कोई स्मॉल एरिया इस कर्व सरफेस पे लेते हैं, तो यहाँ पे डीएस वेक्टर अपवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, इसी तरीके से अगर हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे फील्ड लाइन तो एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो ये फील्ड तो बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड आउटवर्ड होती है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यही फील्ड इनवर्ड बनती। यहाँ पे डीएस वेक्टर, अगर हम स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, तो डीएस वेक्टर, अगेन डीएस वेक्टर और ई में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 0 डिग्री। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बना एंगल का, वो या तो 0 डिग्री का बना या 90 डिग्री का बना। तो इससे हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए ये जो है हम इसको ले लेते हैं, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए ले लेते हैं, जो गॉसियन सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया है हम उसको क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। तो ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं रीजन, इसका मैं एरिया ले सकता हूं ए, तो मैं यहां लिख देता हूं इसका एरिया है ए, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब हमारा काम क्या होगा, हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, हम क्यू एनक्लोज करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। नेट चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस, विद गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिग्मा क्या है और ए क्या है। ओके, सिग्मा ए, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट, और ये हमें गिवन होता है। ओके, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तो चार्ज एनक्लोज हो गया। अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, तो हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब यहां पर क्लोज सरफेस के लिए है, तो क्लोज सरफेस के लिए हमारी शीट तो ये है, ये हमारी शीट थी, इसके ऊपर चार्ज था, एक ही साइड चार्ज है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज लाइज ऑन दी सिंगल साइड, ये डायग्राम हम पहले रेफर कर चुके हैं। ओके, तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गई, और ये हमारा गॉसियन सिलेंडर था या गॉसियन सरफेस थी जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप है, और ये दोनों साइड थे। तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी होंगी, एक तो फ्लक्स थ्रू दी सर्कुलर एंड और एक फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर हमने जो वैक्टर बनाए थे वो अगर हम देखना चाहें, रिकॉल करना चाहें, तो यहाँ पे फील्ड ये था।
ओके, और फील्ड और डीएस में जो हमारा एंगल था वो कितना था? 0 डिग्री। ये डीएस वेक्टर है और ये हमारा ई वेक्टर। इसी तरीके से ई वेक्टर इधर बनेगा और डीएस वेक्टर इधर बनेगा। ओके, और जो कर्व सरफेस थी, कर्व सरफेस में ई वेक्टर ऐसे है लेकिन डीएस वेक्टर ऊपर की साइड है, तो यहाँ जो एंगल बनना था वो 90 डिग्री बनना था। तो इस इंटीग्रेशन को, जो कि क्लोज सरफेस के लिए, देखिए यहाँ पे ये क्लोज सरफेस के लिए, तो हम इसको ओपन कर दें। एक जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ लीजिए कौन सी चीज क्या है। ये है फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, और ये जो है ये है फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू दी सर्कुलर सर्कुलर एंड्स ऑफ दी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ओके, तो क्योंकि कॉस 90 0 होता है, और वैसे भी आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज पैरेलल टू द कर्व सरफेस एरिया, तो ये वाला जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2E टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके क्लियर। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो जो डीएस का इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा? डीएस का इंटीग्रेशन बनेगा 2EA, या 2A एरिया हो गया टोटल और इनटू ई हो गया, और ये हो गया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस केस में वो आएगी सिग्मा ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लार्ज शीट, है ना, विच इज हैविंग चार्ज ऑन वन साइड। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर आ यूनिफॉर्मली चार्ज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज प्लेन शीट, और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट शीट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट प्रैक्टिकली कोई इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है, बस ये है कि वो काफी बड़ी है और जहां फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो वेरी नियर टू दी शीट, है ना। तो दिस एक्सप्रेशन इज इसको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट शीट हो गया ये हमारा, इनफाइनाइट शीट। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड होगा वेरी नियर टू दी शीट, यानी कि अगर मान लीजिए ये शीट है तो जो पॉइंट पी है और आर दूरी पर है, तो आर इज वेरी स्मॉल, आर इज वेरी स्मॉल। वैसे तो ये आर से इंडिपेंडेंट है, आर से तो इंडिपेंडेंट है ना, आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन कंडीशन इसके साथ यही है कि जो आर है इट्स वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी साइज ऑफ दी शीट, आर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी साइज ऑफ दी शीट।
है। अब एक चीज नोट करके लिख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, The assumption that the sheet is infinite, that the sheet is infinite infinitely large, the sheet is infinitely large is an idealization, is an idealization, is an idealization, nothing 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 in nature, nothing in nature is really infinite, infinitely large। ठीक है, तो हम टर्म तो इनफाइनाइट यूज कर रहे हैं लेकिन ये शीट इनफाइनाइटली लार्ज नहीं हो सकती क्योंकि नेचर में कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो इनफाइनाइटली लार्ज हो, जो कभी खत्म ना हो उसका साइज, है ना। लेकिन किस किस सिचुएशन को शो कर रही है वो सिचुएशन लिख लेते हैं। बट द रिजल्ट जो अभी हमने ड्राइव किया, रिजल्ट क्या था, ई इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, इज अ गुड, इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन, इट्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन, इट्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर पॉइंट्स, काफी फॉर पॉइंट्स दैट आर क्लोज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट आर क्लोज दैट आर क्लोज दैट आर क्लोज टू द शीट, टू द शीट एज कंपेयर टू द शीट डायमेंशन, as compare to the sheet dimension, as compare to sheet dimension। तो ये जो है sheet के नजदीक में ही applicable होगा ये formula। okay, ओके okay, आप डायग्राम में दो शीट्स देख रहे हैं, एक शीट वन है और एक शीट टू है। ओके, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है बट एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो अगर हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करें तो आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड होती है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की शीट में क्या फर्क होगा फील्ड लाइंस का, कि एक में फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी और एक में फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी, और फील्ड लाइंस दोनों साइड एग्जिस्ट करेंगी शीट के, लेकिन इस शीट पर जो चार्ज है वो दोनों साइड है या सिंगल साइड, आंसर इज सिंगल साइड, चार्ज जो है वो सिंगल साइड पे है लेकिन फील्ड का एग्जिस्टेंस दोनों साइड होगा, शीट के लेफ्ट में भी और शीट के राइट में भी। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे जो बनाना पड़ेगा वो इनवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनवर्ड बना लेते हैं, नेगेटिव
इनवर्ड होगी ये फील्ड, ये इनवर्ड होगी, ये भी लाइन इनवर्ड होगी, तो जितनी भी फील्ड लाइंस है इट विल बी इनवर्ड डायरेक्टेड इनटू द शीट क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से फील्ड इस साइड भी होगी लेकिन इनवर्ड। इट विल बी इनवर्ड। अच्छा यहाँ पे इसके नजदीक में फील्ड क्या होगी, फार्मूला वही रहेगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके ये फील्ड होगी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ओके तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इस फील्ड को, तो इस साइड तो मैं फील्ड लिख सकता हूँ पॉजिटिव शीट के लिए ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, जबकि इस डायरेक्शन में जो फील्ड है वो होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। इस साइड अगर यहाँ पे फील्ड लिखता हूं तो ये होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, क्योंकि ये माइनस एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, और इधर इस निगेटिव के लिए अगर मैं फील्ड लिखता हूं तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका अगर हम साइड व्यू बनाए तो साइड व्यू कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। साइड व्यू बना लेते हैं, शीट की अपनी थिकनेस होगी बट वेरी लेस थिकनेस, तो ये हमारा शीट हो गया। दिस इज द शीट, इसी तरीके से ये भी शीट है। ओके इस पे एक ही साइड चार्ज है ओनली, तो जो चार्ज है इट इज ऑन अ सिंगल साइड, वो चार्ज शो कर लेते हैं हम सिंगल साइड पे चार्ज है। एक साइड पे चार्ज है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ओके तो अब जो फील्ड अगर हम शो करें और उसको वेक्टर फॉर्म में शो करें तो डायरेक्शन हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस साइड फील्ड जो होगी ई, ओके उसकी वैल्यू क्या होगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और उसके साथ आएगा आई कैप और यहाँ पे आएगा वेक्टर साइन। इसी तरीके से इस साइड जो फील्ड होगी वो होगी ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा माइनस आई कैप, क्योंकि ये माइनस की तरफ डायरेक्टेड है। अगर यही काम हम निगेटिव चार्ज शीट के लिए करें तो पहले उस पर निगेटिव चार्ज बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव बना लिया बाय मिस्टेक, तो हम इसको पहले एलिमिनेट कर देते हैं। ये शीट क्या है, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज शीट, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखिए नेगेटिव चार्ज बनाते हैं पहले इसको, इट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है बट चार्ज निगेटिव है। तो यहां पे जो फील्ड होगी शीट के राइट हैंड साइड पे देखिए, तो राइट हैंड साइड पे जो फील्ड होगी वो इनवर्ड, यानी कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में माइनस आई कैप। अच्छा इधर जो फील्ड होगी वो भी इनवर्ड होगी, शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे इनवर्ड फील्ड होगी लेकिन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वेक्टर फॉर्म में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ओके तो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हम आई कैप लगाएंगे या माइनस आई कैप लगाएंगे। अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है तो प्लस आई कैप लगेगा, माइनस की तरफ डायरेक्टेड है तो माइनस आई कैप लगेगा, अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो प्लस जे लगेगा और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो माइनस जे लगेगा। तो अकॉर्डिंगली आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फील्ड का डायरेक्शन शो कर सकते हैं। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं।
ओके आपका क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ थीटा इन द गिवन सिचुएशन। सिचुएशन क्या है कि एक शीट है जिसके एक सिंगल साइड पे चार्ज है, इस साइड कोई चार्ज नहीं है, इससे ये एक इंसुलेटेड थ्रेड है, ठीक है, इससे एक बॉब हमने हैंग कर दिया। अब क्योंकि बॉब पे भी पॉजिटिव चार्ज है और शीट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो रिपल्शन लगेगी, इसलिए ये बॉब जो है वो कुछ दूरी पर शिफ्ट हो जाएगा शीट से और वो वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा बनाएगा। हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो थ्रेड है ये मैं लिख देता हूँ, ये इंसुलेटेड थ्रेड है, यानी कि इस पर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, इट्स एन इंसुलेटेड स्ट्रिंग या थ्रेड, ठीक है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें एमपीडी बनाना होगा बॉब का, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और एफबीडी बनाते हैं। ओके, तो ये तो हमारा शीट हो गया। ओके, इसमें हम बॉब बना लेते हैं फटाफट और जो है इसका एफबीडी बनाते हैं बॉब का। ये थीटा हो गया, ये हमारा बॉब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि एक साइड चार्ज है और एक साइड वाला चार्ज का अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो फील्ड होती है उसकी वजह से ये चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो यहाँ पे, ये सब जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इधर भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दोनों साइड होंगे, बट दूसरी साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें अभी राइट नाउ कोई यूज नहीं डायग्राम का। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, एबीडी बना लेते हैं इसके ऊपर। दो फोर्सेस लगेंगी बॉब के ऊपर, क्या क्या फोर्सेस होंगे बताइए आप। एक तो इसका वेट विच इज डाउनवर्ड एम जी, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक रिपल्सिव फोर्स जो कि होगी चार्ज ऑन द बॉब एंड फील्ड प्रोड्यूस बाय द शीट, फील्ड प्रोड्यूस बाय द शीट। तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं टेंशन को, हमने ये एक्स और वाई ले लिया, तो एक ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा टी कॉस थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा टी साइन थीटा। ओके, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब। ओके, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब, अगर हम बॉब के इक्विलिब्रियम की बात करना चाहते हैं तो बॉब के इक्विलिब्रियम के लिए जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो हो जाए और वर्टिकल फोर्स भी जीरो हो जाए, तो जो टी साइन थीटा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को बैलेंस करेगा, तो टी साइन थीटा विल बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्यू ई, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, वो बैलेंस करेगा वेट ऑफ द बॉब कॉस थीटा वेट ऑफ द बॉब एम जी। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, यहां पर आएगा मेरे पास क्यू ई बाय एम जी। ओके, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टी से तो टी कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आएगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू। अब जो ई है वो है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, अभी हम सॉल्व कर सके, यही होती है फील्ड। तो हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी सॉल्व कर वो होगी सिग्मा विच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, क्यू चार्ज ऑन द बॉब, टू एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट और एम जी वेट ऑफ द बॉब,
एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ सिग्मा क्यू टू एप्सिलॉन नॉट एम जी, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द शीट एंड द थ्रेड ऑफ द बॉब, शीट एंड द थ्रेड ऑफ द बॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन एंड टू एंड थ्री इन द गिवन सिचुएशन. तो ये शीट वन है और शीट वन पे आप देख पा रहे हैं एक ही साइड चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन है, दूसरी साइड कोई चार्ज नहीं है क्योंकि अभी हम जो केसेस डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल साइड पे ही डिस्कस कर रहे हैं, उसी का हमने डेरिवेशन भी किया है. अच्छा शीट टू है उसके भी आप देख रहे हैं कि एक ही साइड चार्ज है, दूसरी साइड कोई चार्ज नहीं है. दिस इज द रीजन वन, दिस इज द रीजन टू एंड दिस इज द रीजन थ्री एंड यू नीड टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन इन रीजन टू एंड इन रीजन थ्री. तो बेसिकली जो अप्रोच है इस प्रॉब्लम की वो होगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. पहले मैं लिख देता हूं इन द गिवन सिचुएशन. नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो आप ये देखो कि अगर ये एक सिंगल शीट होती तो इसकी वजह से फील्ड क्या होती रीजन वन रीजन टू रीजन थ्री में, और आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, यानी कि आई जे के आई का यूज करेंगे, आई कैप का. तो मान लीजिए अगर ये शीट वन हो, मान लीजिए शीट वन, सिर्फ एक शीट वन बनाएंगे, ठीक है, दिस इज शीट वन. ओके और इस शीट वन पर वी नो वी हैव ओनली चार्ज ऑन अ सिंगल साइड, सिर्फ सिंगल साइड इसके चार्ज है, दूसरी साइड कोई चार्ज नहीं है. ओके तो सिंगल साइड पे चार्ज बना लेते हैं, सिंगल शीट हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं. तो ये हमारी एक सिंगल शीट, दिस इज द सिंगल शीट, और इस पे जो चार्ज है वो हमें मालूम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा वन है, सिग्मा वन इस पे सरफेस पॉजिटिव चार्ज है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन, तो इसकी वजह से जो फील्ड होती ई वन, अगर हम इसको ई वन बोलते हैं क्योंकि शीट वन है तो हम इसको वन बोल देते हैं, ये शीट वन है. ओके तो इसकी वजह से जो फील्ड होती वो ई वन का डायरेक्शन ये होता और उस ई वन की वैल्यू होती सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप. अब इसकी फील्ड इधर भी होगी, ये भी ई वन है, ई वन वैक्टर होता ये सिग्मा वन है, तो सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप. ओके यहां पे हम ये भी मेंशन कर देते हैं कि कौन सा हमारा रीजन वन है, दिस इज अवर रीजन वन, रीजन वन ये जो है ये रीजन टू है. ओके और इधर जो हम बनाएंगे वो रीजन थ्री, ये हमारे रीजन सेग्रीगेट हुए, रीजन वन रीजन टू एंड रीजन थ्री. अब आप दूसरी शीट देखिए. ओके दूसरी शीट की अगर हम बात करें तो दूसरी शीट भी जो है वो उस पर चार्ज सिंगल साइड, तो दूसरी शीट को हम यहां बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी सेकेंड शीट होगी, इस पे जो चार्ज है वो सिंगल साइड है, इसका चार्ज हम शो कर लेते हैं और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, तो ये हमारा चार्ज हो जाएगा सिंगल साइड प्लस चार्ज, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज. ओके पॉजिटिव चार्ज है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू है. तो सिर्फ ये अगर फील्ड होती, मतलब ये शीट होती तो इसकी वजह से फील्ड क्या होती, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड आउटवर्ड ही होगी, तो इस फील्ड को जो हम लिखेंगे वो ई टू लिख लेते हैं. ओके तो यहां पे अब इस रीजन में ई वन भी होगा और ई टू भी होगा, तो पहले तो ई वन लिख लेते हैं, ई वन की अपनी एग्जिस्टेंस होगी, व्हाइट कलर से हमने लिखा हुआ है ई वन को, तो ई वन को हम व्हाइट कलर से ही शो करते हैं, ई वन तो हो गई होगा इस रीजन में. ओके तो ई वन
सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और यहां पे ई टू भी होगा। देखिए ई टू भी तो इधर ही होगा बाहर की साइड, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ई टू इस रीजन में भी होगा शीट के, ये ई टू है। ई टू वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, और ई टू इस रीजन में भी होगा, क्योंकि अगर ये शीट नहीं होती तो ई टू तो होते ही ना। तो ई टू इज इक्वल टू वैक्टर फॉर्म में सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। ठीक है, अब हमें रीजन वन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रीजन टू में, रीजन थ्री में। अब सीधा वेक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फील्ड सेम डायरेक्शन में उन्हें जोड़ लीजिए, जो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें आप माइनस कर दीजिए। अगर आप साइन ऑलरेडी माइनस कंसीडर करते हैं तो आप उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं रीजन वन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द रीजन वन, तो रीजन वन में मेरी दोनों फील्ड जुड़नी चाहिए, शुड बी एडेड, सॉरी रीजन वन, रीजन वन की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ई वन जो है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है तो इनकी वैल्यू को जोड़ लो, सिंपली जोड़ जाएंगे। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ई वन जो है फर्स्ट रीजन में वो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों फील्ड किसकी तरफ है, माइनस एक्स की तरफ है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वैल्यू आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और माइनस आई कैप। मान लीजिए अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हो जाए तो यहां पे जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो सिग्मा 1 सिग्मा 2, अगर हमने सिग्मा के बराबर ले लिया तो वो डबल हो जाएगा और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं फर्दर, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ये एक अलग से कंडीशन हमने ले ली, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर है, तो ये जो फर्स्ट रीजन में फील्ड आएगी वो आ जाएगी 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ जो आना चाहिए वो माइनस आई कैप आना चाहिए। क्लियर, इतनी बात क्लियर है आपको? ओके, तो ये माइनस आई कैप आना चाहिए। अब हम बात करते हैं रीजन टू की। नाउ कम टू दी रीजन टू। रीजन सेकेंड, तो देखो इसमें सेम डायरेक्शन में फील्ड सेकेंड, तो अगर हम डायग्राम को रिफर करते हैं देखिए, तो अगर आप डायग्राम को रिफर करते हैं तो E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है आपको डायग्राम, तो इनका मतलब हमें इन्हें माइनस करना, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब इसके साथ प्लस आई कैप भी आ सकता है, माइनस आई कैप भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा अगर ई वन बड़ा है
मान लो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डायरेक्शन E1 के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए σ1 σ2 अपॉन 2 ε0 आई कैप आना चाहिए। अगर E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है E1 से, तो ये जो E2 वेक्टर है सेकंड रीजन में जो फील्ड आनी चाहिए वो आनी चाहिए σ1 माइनस σ2 डिवाइडेड बाई 2 ε0, और यहाँ पे आना चाहिए माइनस आई कैप। ओके क्लियर है। अब इसमें ये कंडीशन लगा लेते हैं, इफ σ1 इज इक्वल टू σ2, तो वही σ1 माइनस σ2 तो हो जाएगा 0, तो हमारा E2 रीजन में जो फील्ड हो जाएगी अगर ये दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगी, यानी कि मिडिल में दोनों प्लेट्स के मिडिल में जो फील्ड है वो 0 हो जाएगी। कम टू द रीजन 3। नाउ रीजन 3, रीजन 3 की अगर हम बात करें तो अगेन हमें दो फील्ड को या तो जोड़ना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो देख लेते हैं सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार डायग्राम को रिफर कर लेते हैं। तो ये आप देखने डायग्राम में E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है सेम डायरेक्शन में है तो इट्स गुड। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में तो हम इनको जोड़ सकते हैं, वी विल ऐड देम। तो ऐड करके, क्योंकि हम ऑलरेडी ये कैलकुलेशन कर चुके हैं तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमारे पास σ1 प्लस σ2 बाई 2 ε0 आना चाहिए। ओके, और इसके साथ जो डायरेक्शन है वो आना चाहिए प्लस आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स की तरफ है। कंडीशन लगा देते हैं कि इफ σ1 इज इक्वल टू σ2, अगर ये दोनों बराबर है तो E3 जो हमारे पास फील्ड आएगी वो आएगी ट्वाइस ऑफ σ बाई ट्वाइस ऑफ ε0, और ये जो फील्ड है वो हो जाएगी σ बाई ε0 आई कैप। ओके, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आए फिलहाल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सिचुएशन कंसीडर करेंगे कि शीट पे दोनों साइड चार्ज है या वो कंडक्टिंग शीट है, तब ये एक्सप्रेशन काफी हेल्पफुल होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम जैसे पिछला प्रॉब्लम था, यहाँ पे भी दो शीट है, शीट 1 एंड शीट 2। ओके, डिफरेंस क्या है पिछली प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में, कि ये शीट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और चार्ज उसके सिंगल साइड पर है, इस साइड कोई चार्ज नहीं है। इसी तरीके से ये जो शीट 2 है इस पे निगेटिव चार्ज है। ओके, ऑन अ सिंगल साइड, दूसरी साइड कोई चार्ज नहीं है। शीट 1 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1, शीट 2 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2, तो इसकी भी अप्रोच सेम होगी जो पिछली प्रॉब्लम थी, कि आप इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से करेंगे। आप देखेंगे कि अगर एक सिंगल शीट होती तो उसकी वजह से फील्ड क्या होती, दूसरी शीट अगर हम रख देते हैं तो वो फील्ड्स दूसरी शीट की फील्ड पिछली वाली फील्ड में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे फील्ड्स, और आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे हम रीजन 1 और रीजन 2 की बात कर लेते हैं, यहीं पे डायरेक्शन बना लेते हैं कि ये जो शीट 1 है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होगी। ओके, और उसको मैं लिख सकता हूं E1, और उसकी फील्ड इधर भी होगी उसको मैं E1 लिख सकता हूं, और उसकी फील्ड यहां भी होगी उसको मैं E1 लिख सकता हूं। और
जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड है वो इनवर्ड होती है, तो ई टू का डायरेक्शन ये होगा, यहां भी ई टू का डायरेक्शन ये होगा और इधर ई टू का डायरेक्शन ये होगा। नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो इनवर्ड होती है। अगर मैं ई वन के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ई वन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, एंड ई टू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा टू, यहां पे सिग्मा वन आएगा, टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हो गए। रीजन वन की बात करते हैं, देख लेते हैं फील्ड ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इफ आई टॉक अबाउट रीजन वन, तो भाई रीजन वन में जो नेट फील्ड होगी ई वन वो होगी ई वन प्लस ई टू, दोनों फील्ड को जोड़ दिया जाए, दोनों फील्ड को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि दे आर इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन सेम डायरेक्शन। क्या रीजन है उनको जोड़ने का, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। इनकी वैल्यूज हम जानते हैं इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल वैल्यूज हम यूज कर लेते हैं। तो ये होगा सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इस में जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस होगा, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। हमें माइनस करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्टेड। तो सिग्मा वन बाई और यहां पे सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ओके, क्लियर है। अगर हमारा सिग्मा वन, अगर इसमें ये कंडीशन लगा दें कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो सिग्मा, तो ये जो फर्स्ट रीजन में फील्ड आ जाएगी वो जीरो हो जाएगी, यानी कि ई वन जो है वो ई टू को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड आपने बराबर कर दिए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो जो हमारा ई वन होगा वो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें रीजन टू की, वी टॉक अबाउट द रीजन टू, तो रीजन टू में हम फील्ड डिटरमाइन करते हैं। देखिए रीजन टू, रीजन टू में देखिए डायग्राम, क्या फील्ड सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो सेकेंड रीजन में ये दोनों फील्ड आपस में जुड़नी चाहिए, जोड़ दिया हमने, ऐड कर दिया, शुड बी एडेड। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट अगर आप इसके साथ डायरेक्शन लगाना चाहते हैं और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप देखें दोनों फील्ड जो हैं वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो इनके साथ जो डायरेक्शन का आएगा वो आई कैप आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि अगर सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल हो जाते, इफ सिग्मा वन सिग्मा टू दोनों शीट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो गई सिग्मा, तो जो नेट फील्ड है सेकंड रीजन में वो जुड़ जाती और ये जो आंसर आता वो सिग्मा बाई टू एफसाइलम, टू नहीं आएगा एफसाइलम नॉट आएगा। पिछले वाले जो हमने प्रॉब्लम किया था वो क्या था, यहाँ पे जीरो आ रही थी और जहां पे जीरो थी वहां पे आ रही थी सिग्मा बाई एफसाइलम नॉट, तो सिग्मा बाई एफसाइलम नॉट। नाउ कम टू दी रीजन थ्री, अगर हम रीजन थ्री की बात करते हैं तो रीजन थ्री में रीजन थर्ड में हम निकालना चाहते हैं, तो देखिए थर्ड रीजन ई थ्री। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ई वन टूवर्ड्स राइट है और ई टू टूवर्ड्स लेफ्ट है। डायग्राम को रिफर कर सकते हैं, ई वन थर्ड रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इस रीजन की, थर्ड रीजन की। तो थर्ड रीजन में ई वन जो है वो टूवर्ड्स राइट है और ई वन ई टू जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट ही करेंगे हम। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ई थ्री हमारे पास आएगा सिग्मा
वन बाई टू एप्साइलम नॉट माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्साइलम नॉट। मैं इसमें डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ई वन अगर बड़ा होगा तो डायरेक्शन प्लस आई कैप हो जाएगा, और अगर ई टू बड़ा होगा तो डायरेक्शन माइनस आई आई कैप हो जाएगा। इसमें अगर हम ये कंडीशन लगा दें इफ सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा, तो हमारे पास थर्ड रीजन में जो फील्ड आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये इसके आंसर्स हो गए, थर्ड रीजन में फील्ड जीरो अगर सिग्मा वन सिग्मा टू बराबर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आप डायग्राम में देख रहे हैं आपको तीन शीट्स शो की गई हैं, और वो जो शीट्स हैं वो सिंगल साइड चार्ज हैं। देखिए ये वाली जो शीट है इस पे चार्ज ये है और इसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा। ये जो शीट है वो इस साइड चार्ज है ओनली सिंगल साइड, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो माइनस सिग्मा। ये जो तीसरी शीट है थर्ड नंबर की शीट, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है बट उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो टू सिग्मा है। और आपको निकालना है फाइंड दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन वन टू थ्री फोर, ये जितने भी रीजन बने उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हमने अभी प्रीवियस टू प्रॉब्लम्स में देखा कि हमें जो है वो बेसिकली फील्ड मार्क करनी है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मार्क करना है। तो अगर शीट वन की फील्ड की बात करें है ना, जो कि हम ऑरेंज कलर के मार्कर से शो कर रहे हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड आउटवर्ड होगा, तो ई वन इस रीजन में ये होना चाहिए। ओके इस रीजन में ई वन ये होना चाहिए, और अगर ये कोई भी शीट नहीं होती तो ई वन इस तरीके से दूर तक होता। अब जब हम दूसरी शीट रखेंगे तो उसकी अपनी फील्ड एग्जिस्ट होगी, क्योंकि वो निगेटिव है तो उसकी फील्ड इनवर्ड होगी। निगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ड, डायरेक्शन देखते जाइएगा इनवर्ड, और ये भी इनवर्ड। ओके डायरेक्शन इनवर्ड होगा और वो पूरे रीजन में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो E2 के डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं E2, और E2 के भी डायरेक्शन। ओके अब अगर थर्ड शीट होगी तो क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो फील्ड है वो आउटवर्ड E3, आउटवर्ड E3, आउटवर्ड E3 और आउटवर्ड E3। ओके ये फील्ड के डायरेक्शन है। अब सिंपल है, जिस रीजन में फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में वो जुड़ जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस हो जाएंगे, और हम नेट फील्ड निकालेंगे। तो पहले हम E1, E2 और E3 की वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज होंगे। तो हमारे पास जो E1 की वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, एक साइड चार्ज है। E2 की जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम माइनस साइन यूज नहीं कर रहे। और E3 की जो वैल्यू होगी वो होगी टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल हो गए। ओके अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। रीजन वन, इफ आई टॉक अबाउट द रीजन वन, तो हमें देखना है फील्ड्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या कौन सी फील्ड सब्ट्रैक्ट होगी और कौन सी फील्ड ऐड होगी। ओके तो अगर आप डायग्राम में देखें तो E1 और E3 का डायरेक्शन सेम है और E2 का अपोजिट है। रीजन वन की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजन वन, किसकी, इस रीजन की बात करो। इस रीजन में देखिए E1 इधर है, E2 इधर है और E3 इधर है, यानी कि E3 और E1 सेम डायरेक्शन में, तो ये सिंपली ऐड होने चाहिए और जो अपोजिट डायरेक्शन में वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो E1 फर्स्ट रीजन की बात करें तो हम जोड़ेंगे E1 और E3 को जोड़ेंगे और उसमें से E2 को माइनस करेंगे। सॉल्व करते हैं, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। देखो जब हम डायरेक्शन ले लेते हैं तो सारे काम फिर हम डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं, तो इसको हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं E3 को। फिर हम जो है उसमें निगेटिव साइन, जैसे यहाँ E2 जो है वो निगेटिव है तो यहाँ पे हम डायरेक्शन वाला साइन ले लेंगे और जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो ये आ गया E1, एलसीएम ले लीजिए
टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस टू सिग्मा माइनस सिग्मा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई1 में हमारे पास जो आएगा ये 3 सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रीजन 1 की बात हो गई। कम टू द रीजन 2, रीजन 2 को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। ई2, हाँ जी देखो ई1 और ई2 डायग्राम रेफर करिए आप लोग। ई1 और ई2 आर इन सेम डायरेक्शन बट ई3 इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे कौन सी फील्ड ऐड होनी चाहिए और कौन सी फील्ड सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए वो आप इजिली डिसाइड कर सकते हैं। आप लिखेंगे ई1 ई2 को ऐड कर दिया जाए और उसमें से ई3 को माइनस कर दिया जाए। ये है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी E2 क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E3 जो है वो होगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो ई सेकेंड आएगा सेकेंड रीजन में जो फील्ड आएगी वो 0 आ जाएगी। नाउ रीजन 3, रीजन 3 की बात कर लेते हैं। ये रीजन 2 हो गया, ये रीजन 1। अगेन देखिए ई3 मैं लिख रहा हूं और आपको डायरेक्शन चेक करने, देखिए डायरेक्शन चेक करेंगे ई1 टूवर्ड्स राइट, ई2 एंड ई3 टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ई2 और ई2 जुड़ जाएंगे और उसमें से ई1 माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमें कौन कौन सी फील्ड जोड़नी है, ई2 जुड़ेगा ई3 जुड़ेगा और उसमें से ई1 माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, ई3 ई2 हमारे पास कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई3 जो है वो है प्लस 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई1 होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये हो गया 3 सिग्मा माइनस सिग्मा, या सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। तो अगेन ई3 जो आएगा सॉल्व करके वो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ई3 का आंसर, ये ई2 का आंसर, ये ई1 का आंसर। ओके 4 रीजन में भी निकाल सकते हैं, 4 रीजन में आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। पहले देख लेते हैं इनके डायरेक्शंस क्या हैं। फोर्थ रीजन में अगर आप डायग्राम को रेफर करोगे तो ई1 ई3 आर इन सेम डायरेक्शन, ई2 इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रीजन फोर डायरेक्शन याद है किस, कौन सा किस डायरेक्शन में था, एक बार दोबारा रेफर कर लेते हैं देखिए। तो E1 एंड E3 आर इन सेम डायरेक्शन, E1 एंड E3 आर इन सेम डायरेक्शन। तो E4 रीजन जो आएगा हमारा, E4 E1 जुड़ जाएगा E3 में और माइनस हो जाएगा E2, माइनस E2। ये सिमिलर टू बन जाएगा जैसा हमने रीजन 1 के लिए किया था। देखिए आप ऊपर रिफर कर सकते हैं, E1 E3 जोड़ेंगे तो E1 है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E3 है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं और ये है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E4 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारे पास आएगा, ये तो 3 सिग्मा हो गया जोड़ के, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जहां तक डायरेक्शन की बात है तो
तो डायरेक्शन आप लगा सकते हैं कि नेट फील्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप लगाएंगे फील्ड के साथ, और अगर वो नेट फील्ड टूवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस है तो उसके साथ आप माइनस आई कैप यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो है वो है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट्स। तो इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम में आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि कंडक्टिंग शीट गिवन है या नॉन कंडक्टिंग शीट गिवन है। तो एक काम ये करते हैं कि ये जो शीट आपको नजर आ रही है, दो शीट मैंने बनाई है, थिन शीट है दोनों ही। ओके तो ये हमारी नॉन कंडक्टिंग शीट है। इट्स अ नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, कंडक्टर नहीं है। ये प्लास्टिक की हो सकती है, ठीक है, इट मे बी ऑफ पेपर, प्लास्टिक, एनीथिंग। तो इट्स अ नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉट कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग। एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, प्लास्टिक की शीट है, ठीक है, और ये कंडक्टिंग शीट है। ओके कंडक्टिंग शीट मेटल की है, किसी भी मेटल की। तो नॉन कंडक्टिंग शीट्स में होता क्या है, पहले नॉन कंडक्टिंग शीट हमने अब तक जो पढ़ा कि शीट में एक साइड चार्ज है, मींस मैंने यहां पे चार्ज बना दिया। तो ओनली इन नॉन कंडक्टिंग शीट द चार्ज ऑन वन फेस इज पॉसिबल। अगर हम नॉन कंडक्टिंग की शीट की बात करें और ये क्यू चार्ज है और एरिया ऑफ प्लेट या एरिया ऑफ शीट जो है वो मान लीजिए कैपिटल ए है, तो इसका जो सिग्मा होगा इस साइड का वो क्यू बाई ए होगा इस साइड का, और इस साइड का सिग्मा जीरो, इधर कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन जब यही चार्ज आप किसी कंडक्टिंग शीट को दोगे, क्यू चार्ज मैंने इस शीट को दिया, ठीक है, अब कंडक्टिंग शीट में क्या होता है कि चार्ज जो है वो एक साइड नहीं रह सकता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चार्ज सिर्फ एक साइड पे हो, इट विल अपीयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्यू चार्ज है, एरिया ऑफ प्लेट ए ले लेते हैं, एरिया ऑफ प्लेट हमारा ए हो गया, शीट जो है ए हो गया, शीट ए, ओके, एरिया ऑफ शीट ए के बराबर हो गया। तो ये जो चार्ज आप देंगे ये इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा, और ये जो है ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट है, मींस इट इज एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट, शीट मींस देयर इज, क्या मतलब है, मींस देयर इज नो नियर बाई चार्ज, देयर इज नो नियर बाई चार्ज, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज पॉसिबल नहीं है तो 50% चार्ज इधर और 50% चार्ज इधर आ जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है। तो आधा चार्ज इधर आ जाएगा। तो अगर मैं इस फेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करूं तो क्यू टू ए, और इस फेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करूं तो Q बाई टू ए। तो बाई डिफॉल्ट क्या हो गया, आप इस तरह देख पा रहे हैं कि सिग्मा वन जो है वो सिग्मा टू के बराबर हो गया, यानी कि इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉसिबल है। तो अगर हम इस कंसेप्ट को समराइज करें कि अगर आपको नॉन कंडक्टिंग शीट है, अगर आपको नॉन कंडक्टिंग शीट दे दी है ना, सिंपल सी बात है, नॉन कंडक्टिंग शीट की अगर हम बात करें तो चार्ज उसके एक साइड हो सकता है, दूसरी साइड भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, और
डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग शीट में अगर मैं बात करूं, तो नॉन कंडक्टिंग शीट में जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ वे हैव अ चार्ज ऑन अ सिंगल साइड, ठीक है, और अलग अलग चार्ज भी हो सकता है। देख लेते हैं, अभी देखिए, तो ये हमारी नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, इसकी कुछ भी थिकनेस है, ओके, स्मॉल थिकनेस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इधर चार्ज हो भी सकता है, यानी कि इधर Q1 चार्ज हो सकता है, इधर Q2 चार्ज हो सकता है, इधर की सिग्मा डेंसिटी सिग्मा 2 Q2 बाई A होगी, और इधर की सरफेस चार्ज डेंसिटी Q1 बाई A हो जाएगी। बट कंडक्टिंग शीट में, कंडक्टिंग शीट की अगर हम बात करें, फॉर कंडक्टिंग शीट, तो कंडक्टिंग शीट में ये अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं हो सकती फॉर आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर आइसोलेटेड कंडक्टिंग या मेटलिक शीट, मेटलिक शीट अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में ये शीट है आपकी, ठीक है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए सिग्मा वन सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी इस साइड की है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन जो है वो इस साइड की है, और सिग्मा टू जो है वो इस साइड की है, ओके, क्लियर है, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, सिग्मा टू, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, ये चार्ज इधर भी है, एक साइड चार्ज नहीं हो सकता कंडक्टिंग शीट में, दोनों ही साइड होगा, ठीक है, तो ये सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू ही होगा, ओके, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कंडक्टिंग शीट में, ओके, तो कंडक्टिंग शीट की अगर हम बात करें, हम कंडक्टिंग शीट की ही बात कर रहे हैं अभी, कंडक्टिंग शीट, इस कंडक्टिंग शीट का जो भी रीजन होगा, मान लीजिए ये है कंडक्टिंग शीट, और इसको हमने चार्ज दे दिया पॉजिटिव इधर और पॉजिटिव इधर, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट है इसके अंदर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगी। अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो नॉन जीरो होगी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी, लेकिन इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो जीरो होगी, यानी कि शीट के अंदर फील्ड जीरो, लेकिन उसके राइट हैंड साइड पर या उसके लेफ्ट हैंड साइड पर फील्ड नॉन जीरो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस शीट के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर, इस शीट के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जैसे ये वाली साइड, इस साइड फील्ड क्या होगी और इस साइड फील्ड क्या होगी, ये दिख रहा है आपको पॉइंटर, अंदर तो जीरो है, यहाँ पे तो जीरो है इस पॉइंट पर, इस जो भी यहाँ पे पॉइंट जितने भी होंगे इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है,
यहां पे नॉन जीरो, यहां पे नॉन जीरो, तो इन रीजन्स में क्या फील्ड होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो शीट है, जो कंडक्टिंग शीट है, यू कैन कंसीडर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट शीट जिस पे एक साइड चार्ज है, जिस पर एक साइड चार्ज है, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट या शीट, यानी कि इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो ये आइसोलेटेड है, इसके नियर बाय कोई चार्ज नहीं है, ओके। तो इस पे सरफेस ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सरफेस पे चार्ज हो, इस केस में दोनों सरफेस पे चार्ज होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, और क्योंकि ये आइसोलेटेड है तो सिग्मा वन सिग्मा टू सेम होंगे, वो उनकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी। मान लीजिए अगर इस शीट के नजदीक में मैं कोई चार्ज रख दूं, पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे मैंने कोई चार्ज क्यू क्यू रख दिया, अब ये क्यू जो है वो जो शीट पे पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, यस और नो? यस, ऑफ कोर्स ये रिपेल करेगा। अब क्योंकि ये कंडक्टर है इसमें चार्ज मूव हो सकता है, तो इस रिपल्शन की वजह से सिग्मा टू जो है वो कम हो जाएगा सिग्मा वन से, क्योंकि दूसरे फेस पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जो फेस इसके सामने है उस पर कम और जो पीछे है उस पर ज्यादा। लेकिन अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाला केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इसके नजदीक में ये चार्ज है ही नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूं, और जब ऐसा नहीं है तो ये सिग्मा वन और सिग्मा टू इक्वल होंगे और हमने उसको सिग्मा के बराबर ले लिया, ओके। कंडक्टर है तो इसके अंदर फील्ड जीरो होगी। नाउ दिस सिचुएशन जो है वो सिंपली दो शीट कंसीडर की जा सकती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम की थी कि सिग्मा वन सिग्मा टू की एक सिंगल साइड वाली चार्ज, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक शीट है, मैं इसको शीट वन मान सकता हूं और मैं इसको शीट टू कंसीडर कर सकता हूं। तो कंडक्टिंग शीट इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स विच इज हैविंग चार्ज ऑन सिंगल साइड, तो उसके कॉम्बिनेशन से हम इस केस में नेट फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले, लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field due to a charge due to a charged isolated, ये आपको याद रखना है, isolated conducting plate या sheet is twice the field due to a plane sheet, जो derivation हमने पहले किया, plane sheet of charge जिसमें charge single side होता था, ओके। क्यों है ऐसा? दिस इज बिकॉज या दिस इज ड्यू टू द रीजन या दिस इज बिकॉज दैट same charge same charge is present on both its side
बोथ इट्स साइड, और आप बोल सकते हैं कि सिग्मा वन और सिग्मा टू बराबर है। अब देखो इसको आगे करते हैं। अब तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है जो हमने प्रॉब्लम्स की थी उसी तरीके से। तो इस दिस एंटायर सिचुएशन कैन बी थिंक लाइक दिस। ओके, कैसे? देखो ये एक शीट है, हमने इसको अलग अलग शीट कंसीडर कर लिया, तो ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए तो इस सिचुएशन को हम ऐसे कंसीडर करेंगे, ये अलग अलग शीट कंसीडर कर सकते हैं इसको। वी कैन कंसीडर इट एज अ सेपरेट शीट विच इज हैविंग चार्ज ऑन सिंगल साइड। ये एक शीट, ये एक शीट, ये ओके। इसको हमने जो नाम दिया है वो शीट टू है, और इसको जो नाम दिया है वो शीट वन है, पिछले डायग्राम को रेफर कर सकते। इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है आउटसाइड, ठीक है, इस पे भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव है आउटसाइड। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, अब हमें फील्ड के डायरेक्शन मार्क करने हैं। ये हमारी वही प्रॉब्लम हो गई, ये हम लिख सकते हैं इसको रीजन वन, और जो इसके अंदर है शीट के अंदर जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको रीजन टू लिखा जा सकता है, और ये है रीजन थ्री, ये हमारा रीजन थ्री हो गया। ओके, नाउ वी हैव टू मार्क द डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हमारे पास शीट टू होती तो शीट टू का जो E2 होती, E2 का डायरेक्शन ये होता, पॉजिटिव चार्ज है, E2 का डायरेक्शन ये होता, और अगर शीट टू एब्सेंट होती तो E2 का डायरेक्शन ये होता हमारे पास। ओके, इसी तरीके से शीट वन का डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। शीट वन पॉजिटिव है तो E1 का डायरेक्शन ये होता, E1 का डायरेक्शन ये होता, और E1 का डायरेक्शन ये होता। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर मैं आपसे पूछूं फील्ड इन रीजन वन, तो रीजन वन में आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो E1 जो आएगा वो E1 प्लस E2 का सम हो जाएगा सेम डायरेक्शन। अब सिंगल साइड चार्ज होता है तो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए क्या फील्ड आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और आप कह सकते हैं जो हमने पिछला डेरिवेशन किया था उसकी फील्ड को डबल करो। अच्छा, रीजन टू, यहां रीजन टू में रीजन टू है वो है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो ये तो एज अ रूल भी हमें मालूम है कि फील्ड जो है वो जीरो होती है, तो आप डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, या फिर आप देखो कैलकुलेट करो E2। अब देखिए डायग्राम में क्या E1 और E2 सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, दे आर अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां E1 माइनस E2 इनकी वैल्यू पुट करो, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जीरो हो गए, होना भी चाहिए जीरो। नाउ कम टू द रीजन थ्री, रीजन थ्री की बात करते हैं। तो रीजन थ्री, रीजन थ्री यहां पे आप देख सकते हैं डायग्राम में E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, तो E3 रीजन में जो हमारे पास फील्ड होंगी वो E1 प्लस E2 जुड़ जाने चाहिए, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट and the answer is sigma by epsilon naught. Okay, I hope understand, बात आपके समझ में आई होगी। तो in short, अगर हम इसको show करें कि conducting sheet है ना, तो बहुत simple सी बात है, conducting sheet है, ये हमारी conducting sheet थी, इसके ऊपर हमारा charge था, positive charge या negative charge, maybe anything, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो है आउटवर्ड होती है, तो हम आउटवर्ड फील्ड डायरेक्शन बना लेते हैं, ये इस तरीके से फील्ड हो जाएगी, फील्ड लाइंस आउटवर्ड, दीज आर दी फील्ड लाइंस, और इस रीजन में जो फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस रीजन में जो होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर वाले पॉइंट पर फील्ड होगी जीरो, अंदर किसी भी पॉइंट पर आप फील्ड निकालोगे वो क्या हो जाएगी, जीरो। ओके okay?